गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 4 प्रीशियस लिटिल चिल्ड्रन फॉर क्लास 5th स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीशियस लिटिल चिल्ड्रन मतलब अनमोल छोटे बच्चे, प्रीशियस मतलब अनमोल और लिटिल चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे। अनमोल छोटे बच्चे के बारे में आज हम एक पोएम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? ये एक पोएम है, आज हम छोटे बच्चे के बारे में एक पोएम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिटिल चिल्ड्रन आर ए ट्रेजर, देयर वर्थ यू कैंट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी गोल्ड और सिल्वर। मतलब छोटे बच्चे खजाना होते हैं जिन्हें पैसा सोना चांदी से माप नहीं सकते। मतलब छोटे बच्चे खजाना होते हैं, सोना चांदी और पैसा उनके बराबर नहीं कर सकते। देयर वॉइसेस आर जस्ट लाइक ए मेलोडी दैट हेल्प्स अस फॉरगेट आवर ट्रेजेडी दो दे लिव अंडर आवर कस्टडी। मतलब उनकी आवाजें एक राग की तरह होती है जो हमें हमारे दुख को भूल जाने में मदद करती है, हालांकि वे हमारे हिरासत में रहते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मेलोडी मतलब राग, तो उनकी आवाज़ें उनके वॉइसेस राग की तरह होती है, और ट्रेजेडी मतलब दुख, और वो लोग हमारे दुख को भुलाने में मदद करते हैं, हालांकि वे हमारे हिरासत में रहते हैं। कस्टडी मतलब हिरासत। देयर इनोसेंस इज बियॉन्ड मेजर, देयर सिंप्लिसिटी गिव्स अस अटमोस्ट प्लेजर दे लिव इन देयर वर्ल्ड विदाउट केयर कंसीडरिंग देम टू बी द एम्परर्स। मतलब उनकी मासूमियत माफ से परे हैं, उनकी सादगी हमें बेहद खुशी देती है। वे उनकी परवाह किए बिना उनकी दुनिया में रहते हैं, उन्हें सम्राट मानते हैं। इनोसेंट मतलब मासूमियत, ठीक है, और सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, और एम्परर मतलब सम्राट। वी शुड ब्रिंग देम अप विद केयर बाई प्रोवाइडिंग देम एवरीथिंग दे डिजायर फॉर इट इज आवर ड्यूटी टू मेक देम प्रॉस्पर बिकॉज दे आर आवर नेशंस फ्यूचर। मतलब हमें उन्हें देखभाल के साथ लाना चाहिए, उन्हें वह सब कुछ प्रदान करना चाहिए जो वे चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समृद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे देश का भविष्य है। ठीक है, यहाँ पे डिजायर मतलब इच्छा, ठीक है, चाहत इच्छा, और प्रॉस्पर मतलब समृद्ध, फ्यूचर मतलब भविष्य। थैंक यू।